तुम्हारे मिस कुणाल, मैं आज आपको मैथ मैथमेटिक्स की पजल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमें यहाँ एक मैथ्स पजल दिए हुए, उसमें एक राउंड है, ये जो राउंड है उसमें चार भागे और हर भाग में तीन तीन डिजिट है। जो पहला जो भाग है उसमें उसमें तीन है, दो है और ये थे। दूसरे भाग में आठ है, छः है और आठ है। तीसरे भाग में छः, नौ और 27 है और चौथे भाग में 11 और 6 है। और यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन मार्क जिस भाग में दिया हुआ है उसमें हमें यही ढूंढना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले भाग में से हम यानी थ्री माइनस टू। अगर हम 3 माइनस 2 करेंगे तो हमें इसका आंसर 1 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ हम 1 गुना 1 करेंगे तो हमें हमारा आंसर 1 मिल जाएगा। तो ये राइट आंसर है। ओके, तो दूसरी बात में हमें 8 और 6 का माइनस करना, यानी 8 माइनस 6। ओके, अगर हम 8 माइनस 6 करेंगे तो हमें हमारा आंसर 2 मिल जाएगा, यानी 2। तो अगर हम 2 को 3 बार गुना कर लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका आंसर हमें 8 मिल जाएगा। तो 8 मिल जाएगा। ओके, तो हमें ये 8 आंसर भी राइट है। उसके बाद तीसरे भाग में हमें 9 और 6 दिए हुए, तो हमें यहाँ 9 प्लस 6 करना है, 9 माइनस 6 करना है। ओके, अगर हम 9 माइनस 6 करेंगे तो हमें इसका आंसर 3 मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, तो 3 3 9 9 3 27, तो यह हमारा आंसर 27 है और यहाँ भी 27 है, यानी ये बराबर आंसर है। तो हाँ, जो चौथा जो भाग है उसमें 11 और 6 दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ 11 माइनस 6 करना है। तो हम 11 माइनस 6 अगर करेंगे तो हमें हमारा आंसर 5 मिल जाएगा। तो हम 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25 25 25 125, तो हमें यहाँ हमारा आंसर 125 मिल गया है, यानी 125। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है यार 125। ओके, तो देखा दोस्तों, मैंने आपको मैथ पजल सॉल्व करके दिखाया। तो आगे मेरी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते।